हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जसमीत। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल हर सिटी और हर कंट्री में लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो इस लॉकडाउन में बाहर के खाने की क्रेविंग्स हम सभी को होती है, घर में बच्चों से लेके बड़ों तक। तो आज हेडिंग से आपको पता चल ही गया होगा कि डिफरेंट ट्राई करने वाली हूँ मैं कुछ अपनी वीडियो में। सो किचन की तरफ चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट। जैसे कि मैं आपको अपनी किचन में बता चुकी हूँ कि आज मैं आपके साथ दाल मखनी और बटर नान की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस कटोरी से नाप के मैंने काले उड़द की दाल ली है और हाफ कटोरी मैंने राजमा ली है, जिसे मैंने 3 से 4 घंटे पानी में सोख किया है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए मैंने बारीक चॉप करके, 2 सिनेमन के टुकड़े हैं और 2 हरी मिर्च हैं जो मैंने बीच में से काट ली हैं, 10 से 12 काली मिर्च हैं, 10-12 लहसुन की कलियां हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है मैंने, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है ग्रेटर से। उसके बाद फ्रेंड्स तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के की तैयारी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 4 चम्मच अमूल बटर, उसके साथ मैंने 1 चम्मच देसी घी ऐड किया है। देसी घी ऐड इसलिए किया है ताकि हमारा अमूल बटर जो है वो जल ना जाए। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच जीरा ऐड करूँगी फ्रेंड्स। जीरा ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। जीरा हमारा ज़रा सा चटकने लग जाए तो अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ऐड करूँगी। जीरा हमारा अच्छे से भुन गया है। जीरे को अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, 2 सिनेमन के टुकड़े और 10-12 काली मिर्च डाल रही हूँ। अच्छे से मैं इसे भून लूँगी। अच्छे से भूनने के बाद अदरक लहसुन को, काली मिर्च भी अच्छे से हमारी भुन जाए, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इसका, उसके बाद मैं अपने प्याज ऐड कर दूंगी इसमें। प्याज ऐड करूंगी फ्रेंड्स इसमें। मैं प्याज को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं होने दूंगी, क्योंकि दाल मखनी बना रहे हैं, प्याज ज़्यादा जल जाएंगे तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता दाल में, जले जले का सा टेस्ट आता है दाल में। तो मैं थोड़े दाल मखनी में स्पेशली मैं कम ही भूनती हूँ प्याज। अच्छे से भून लेंगे, गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, साथ साथ चलाते रहेंगे तो प्याज आपके बिल्कुल भी नहीं जलेंगे और कच्चे भी नहीं रहेंगे। अच्छे से भून लूँगी मैं यहाँ पे प्याज को। ये हमारे प्याज अच्छे से भून रहे हैं। उसके बाद मैं टमाटर ऐड कर दूँगी साथ ही। टमाटर ऐड करने के बाद साथ साथ मैं इसे चलाती रहूँगी। टमाटर ऐड कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए अच्छे से। गैस का फ्लेम मैंने फुल ही रखा है फ्रेंड्स। अच्छे से टमाटर ऐड करने के बाद जहाँ आपको लगे थोड़े हमारा मसाला जल रहा है तो हम 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर लेंगे इसमें। बाकी के मसाले ऐड करूँगी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच धनिया, 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करूँगी मैं इसमें। सारे मसाले एक साथ ही ऐड कर दूँगी मैं इसमें। सारे मसाले ऐड करने के बाद गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम ही रखिएगा, हमारे मसाले बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए, क्योंकि फिर जले की महक आ जाती है दाल में तो वो अच्छा नहीं लगता। अच्छे से भून लूँगी मसालों को। जहाँ आपको लगे आपके मसाले जल रहे हैं 3 से 4 चम्मच पानी ऐड कर लीजिए। यहाँ मेरी एक वीडियो क्लिप जो है वो मिस हो गई है। मैंने दाल 2 कटोरी पानी में बॉईल कर ली थी, 8 से 10 विसल लगा लिए थे, दाल मेरी प्रॉपर तरीके से गल चुकी है। यहाँ पे हमारा मसाला भी रेडी हो गया है। अब थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसमें। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से चला लेंगे। अब मैं अपनी दाल को ट्रांसफ़र कर लूँगी एक बड़े पैन में। कढ़ाई लिए मैंने यहाँ पर, अच्छे से ट्रांसफ़र कर लेंगे दाल को एक बड़े पैन में। अच्छे से ऐड कर लेंगे दाल को, अच्छे से मिलाएंगे। जो मसाला हमने तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे।
गैस का फ्लेम स्लो रखिएगा। धीरे धीरे ऐड करेंगे मसाला हम। पानी आप यहाँ पे इस टाइम पे अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि दाल की कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग ही रखिएगा। मैंने यहाँ पे 2 कटोरी पानी ऐड किया है इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे दाल को। दाल हमारी नीचे से जलनी नहीं चाहिए। स्पैचुला चेंज कर लीजिए, बर्तन चेंज हो गया है मेरा, राजमा भी गल चुका है हमारा। स्पैचुला चेंज कर लूँगी मैं। उसके बाद अच्छे से इसे बॉईल आने देंगे। एक बॉईल आने के बाद मैं इसे वुडन विस्क की हेल्प से दाल को अच्छे से घोटूंगी। घोटना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ी सी इंटेलिजेंस तो हमें दिखानी पड़ेगी अगर हमें बाज़ार जैसी क्रेविंग्स को मिटाना है तो। रेस्टोरेंट जैसा खाना बनाने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है। अच्छे से घोटेंगे विस्क से। अगर आपके पास वुडन का विस्क नहीं है तो आप यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का विस्क भी ले सकते हैं। अच्छे से घोटूंगी मैं यहाँ पे दाल को। अच्छे से घोटने के बाद हम इसे पकने देंगे, आंच को धीमी कर देंगे। थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक के रखूंगी फ्रेंड्स, 1-2 बॉईल आने तक हल्की आंच पे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घर की मलाई। मैं बाज़ार का कुछ भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं कर रही हूँ इसमें, नॉर्मल घर की दूध की मलाई है जो हम डेली निकालते हैं। 3 से 4 चम्मच ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। दाल हमारी बनके रेडी है। फाइनल टच पे चलते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है, उससे मैं मेल्ट कर लूँगी अच्छे से। दाल ऑलमोस्ट हमारी बनके रेडी है। अच्छे से मेल्ट हो जाए हमारा देसी घी। देसी घी हमारा मेल्ट हो रहा है। उसके बाद मैं इसे गैस पे से गैस का फ्लेम ऑफ करके 1 चम्मच मिलाऊंगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च मिलाने के बाद मैं इसे ऐड कर दूंगी दाल में। दाल का कलर देखिए फ्रेंड्स हमारा कितना अच्छा आया है। ये दाल हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। चलिए अब तैयारी करते हैं अपने बटर नान की। 250 ग्राम मैदा ले लिया है मैंने यहाँ पे। 250 ग्राम मैदा में ऐड करूँगी घर की दही है, 1/2 कटोरी दही है ये खट्टी। 1/2 स्पून मैं ऐड करूँगी इसमें नमक। यहाँ पे मैं सोडा वगैरह कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल ऐसे ही नान बनाती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही को मैदे में। अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स, जैसे नॉर्मल हम आटा गूंथते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी पानी। पानी अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, क्योंकि मैदा थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है ज़्यादा पानी अगर हम ऐड कर देंगे तो थोड़ा थोड़ा अपने हाथ में लेके ऐड करिए, डायरेक्ट पानी मत डालिएगा। अच्छे से इसे मथ लेंगे आटे को। उसके बाद इसका एक डो रेडी हो जाएगा हमारा। इसको हम 1/2 घंटे के लिए साइड में रख देंगे ढक के। कितना सॉफ्ट डो गूंदा है मैंने देखिए। 1/2 घंटे बाद थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा के डो को थोड़ा सा और मथ लेंगे। ये हमारा डो बिल्कुल रेडी है नान बनाने के लिए। एक पेड़ा ले लेंगे। इट्स टोटली अप टू यू कि आपने कितना बड़ा नान बनाना है मैदे का। मैं तो छोटे नान ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं रोलिंग में ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ अपनी मम्मी की तरह, तो मैं छोटे छोटे रोल ही बनाऊंगी। पहला नान रेडी है मेरा, इसे अच्छे से बेल लेंगे। ट्राई तो कर रही हूँ मैं, शेप आ गई है मेरी स्क्वायर। इसमें हल्का सा पानी मैं टैप करूँगी हाथ से, आरओ वाटर है। हल्का सा पानी टैप करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया लगा दूँगी। हरा धनिया मैंने धो के काट के सुखा लिया था। ये ऑप्शनल है, इसमें थोड़ा सा प्लेटिंग करने में अच्छा लगता है अगर आप हरा धनिया स्प्रंकल करेंगे तो। नहीं ऐड करना चाहते ना करिएगा। दूसरी साइड भी पानी लगा के मैं इसे तवे पे डाल दूँगी।
तवे पे डाल दिया है फ्रेंड्स, इसे अच्छे से सिक जाए। आँच अपने अकॉर्डिंग ही रखिएगा, जलना नहीं चाहिए नान। चिमटे की हेल्प से मैं इसे दूसरी साइड से सेक लूँगी इस तरह से। ये हमारा सेकंड भी रेडी है। ये क्या हो गया, दूसरा भी नान रेडी है हमारा। इसे भी सेम प्रोसेस से बेलेंगे। सेम प्रोसेस से बेल के मैं इसे इस तरह से सेक लूँगी। नान रेडी हो गया है हमारा। प्लेटिंग कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है थोड़ा सा प्लेटिंग में। इसे रख दिए हैं साइड में मैंने। एक कटोरी में दाल लेके मैंने इसे थोड़ी सी क्रीम से डेकोरेट किया है और हाफ स्पून मैंने इसमें डाला है बटर। रेडी है हमारा डिनर खाने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब।